दो औरतों का मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। छोटे मासूम बच्चे थे दोनों औरतों के। एक भेड़िया रात के वक्त आया और एक का बच्चा उठा के भाग गया। दोनों औरतों ने झगड़ा शुरू कर दिया कि ये मेरा बच्चा है। वो कहते मेरा बच्चा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों गुफ्तगू सुनी। दोनों जब कसम खा लें तो जो भी चीज होती है उसको आधा आधा कर दिया जाता। अब यहाँ तो जिंदा बच्चा, ये आधा आधा कैसे होगा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बड़ी औरत को दे दिया। ये आधा तो हो नहीं सकता, मर जाएगा, लिहाजा बड़ी को दे दिया। अब वो जब निकल गए, अब बाहर जा रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर मौजूद है, तो देखा भाई क्या फैसला हो? वो कहती मेरा बच्चा था, हजरत दाऊद उसको दे दिया। वो कहते नहीं नहीं मेरा था, मेरे हक में। उन्होंने फरमाया कि अच्छा, अगर मैं फैसला करूंगा तो बड़ा अच्छा फैसला करूंगा। और जल्दी से उनका जी आप फैसला कर दे, आप बताइए क्या हो सकता। कहा कि आ जाओ। जाहिर शहजादे तो थे, चले गए अंदर और बच्चा रखा। जब दोनों कसम खाए तो चीज को आधा आधा किया जाता है, लिहाजा कायदे और उसूल से हम इसको आधा आधा करेंगे, आधा तेरा आधा तेरा। कहा मुझे तलवार लेके आ गया। अब तलवार जब जैसे खींची है तो जो असल माँ थी उसका तो कलेजा मुंह को आ गया। कहा कि हजरत आप ऐसा ना करें, आप इसी को दे दें, मैं अपने दावे से दस्तबरदार होती हूँ। और वो जो दूसरी बड़ी औरत थी वो खामोश खड़ी रही, सारा तमाशा देख रही है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुमकिन नहीं है कि बच्चे के टुकड़े करने का वक्त हो और माँ तड़पे नहीं। तो ये जो तड़प रही है हकीकत में यही माँ है, जो आराम से खड़ी है ये इसकी माँ नहीं। और फरमाया कि छोटी को कहा ये तेरा बच्चा है। जब ये बात कही तो बड़ी ने भी इकरार कर लिया कि हाँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मेरी उम्र बड़ी हो गई है, बाद में पता नहीं औलाद होती है कि नहीं होती, तो मैंने सोचा झूठ से ये बच्चा मैं हथियार हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, आपने बिल्कुल सही फैसला किया।